हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वामी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं और उसके क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करते हैं। अभी आगे आपके पास है कि मैट्रिक्स के अंदर आपके ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। तो पहले तो आपके ट्रांसपोज मैट्रिक्स नॉर्मली अगर डेफिनेशन में अपन देखें तो जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर दो और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो में चेंज कर दो तो जो मैट्रिक्स आपके पास प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको अगर अपन डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास, तो आपके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यदि किसी मैट्रिक्स ए की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों में अगर बदल दिया जाए तो जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त का मतलब भी क्या हो गया, बदलना, ट्रांसपोज करना, एक को दूसरे के स्थान पे लेके जाना। ठीक है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम के स्थान पे और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो के स्थान पे ले आओ, तो जो मैट्रिक्स आपके पास प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स। अब इसके बाद परिवर्त मैट्रिक्स को आप व्यक्त किससे करते हो, तो ए के ट्रांसपोज के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। अब जैसे अपन संकेतक रूप में देखें तो जैसे ए है आपका ए आई जे एम इंटू एन, इसको आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनानी है तो क्या किया अपन ने, ए का ट्रांसपोज और रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया, मतलब आई की जगह जे आ गया, जे की जगह आई आ गया। अब ये आई और जे क्या है आपके, वन से लेके एम तक है आई तो, और जे है वो वन से लेके एन तक है। ठीक है, अब इसके आगे आपके पास है लंबिक मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो कि इसी पे निर्भर करती है। ठीक है, तो देखो उसके लिए आपके पास है, तो आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है सबसे पहली कंडीशन वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है आपके कि एक वर्ग मैट्रिक्स, तो अपने पास मान लिया कि कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए, तो वो ए लंबिक मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब आपके पास ए ए का ट्रांसपोज इक्वल क्या आ जाए, आई आ जाए, या फिर ए का ट्रांसपोज ए, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, आई। दोनों को चेक नहीं करना होता है अपने को, चाहे ये वाला मान चेक कर लो चाहे ये वाला मान चेक कर लो, दोनों में से जो भी वैल्यू आई आ रही है वो ही अपने लंबिक मैट्रिक्स के लिए है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी आपके कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए लंबिक मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए ए का ट्रांसपोज इक्वल आई आ जाए, या फिर ए का ट्रांसपोज अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए, दोनों आपके इक्वल होते ही हैं, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, अगर इसका आई आ रहा है तो इसका भी आई ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, जैसे आपके पास एग्जांपल है कि मैट्रिक्स ए इक्वल, मैट्रिक्स ए की आपको वैल्यू दी हुई है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये लंबिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे कि जो ए है उसके लिए अपन ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। अब ए का ट्रांसपोज क्या होता है, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर दें, मतलब ये आपकी रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, रो को कॉलम में बदल दिया, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब आपके पास ए भी है और ए का ट्रांसपोज भी है, चेक क्या करना है कि ए को अगर ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, आई आनी चाहिए, तो ए ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है आपके, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये तो हो गई ए की वैल्यू। इसके बाद में आपके ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इन दोनों को करना है आपको मल्टीप्लाई, तो देखो कोस को कोस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद में सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो गई। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस
साइन अल्फा कोस अल्फा, इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करें मतलब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा। इसके बाद में देखो आप कि अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास। तो आप ये देखो ये पूरा इससे कैंसिल हो रहा है, ये पूरा इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो ये तो गया वन जीरो जीरो वन, और ये क्या आपकी इकाई मैट्रिक्स है। तो आप क्या कह सकते हो ए ए का जो ट्रांसपोज है किसके इक्वल है आई के, तो अतः ए एक लाम्बिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके आगे आपके पास है सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उनके बारे में देखते हैं अपन। तो आपके पास क्या है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। तो इनकी नॉर्मली डेफिनेशन देखें तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज करने पे अगर वापस ए आ जाता है, मतलब रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करने पे मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तो वो क्या कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर रो और कॉलम को चेंज करने पे माइनस कॉमन लेने के बाद सेम मैट्रिक्स बनती है, मतलब जैसे आपने ए का ट्रांसपोज किया उसके बाद में जो आपके पास वैल्यू आई उससे माइनस कॉमन लेने के बाद में अगर वापस ए बन रहा है तो चिन्ह परिवर्तन हो गया, तो उस कंडीशन में आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो दोनों की डेफिनेशन देखते हैं अपन कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए, ए की वैल्यू अपन ले लेते हैं ए आई जे, ठीक है, सममित कहलाती है। सममित कब कहलाती है, यदि अगर आप मैट्रिक्स के रो और कॉलम को चेंज कर दो, मतलब ए आई जे उसको क्या बना दो ए जे आई बना दो, और मैट्रिक्स में कोई भी फर्क नहीं हो, मैट्रिक्स है जैसी की जैसी वापस आ रही है, तो ये क्या कहलाती है सममित। ठीक है, अब इसके आगे विषम सममित कब होती है फिर, तथा ए इक्वल ए आई जे विषम सममित कहलाती है यदि, यदि क्या जाए आपके पास ए आई जे में इसका क्रम चेंज करने पे माइनस का साइन बाहर आ जाए, तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाती है विषम सममित मैट्रिक्स। इसके बाद में आपके पास जो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स है उनकी अगर आप डेफिनेशन देखो तो आपके पास एक आपके अल्टरनेटिंग डेफिनेशन वैकल्पिक परिभाषा क्या होती है कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित है कब, यदि आपके पास क्या आ जाए ए का ट्रांसपोज इक्वल ए आ जाए। ठीक है, और विषम सममित कब कहलाती है, विषम सममित है यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस ए। ठीक है, तो अभी जैसे पहले वाली डेफिनेशन जो आपको बताई थी वो तो आपको कब काम में लेनी है, जब कोई थ्योरम वगैरह प्रूफ करते हो तब, और क्वेश्चन में अगर सोल्व करते हैं तो अपने ये वाली डेफिनेशन काम में आती है। ठीक है, अब इनके आपके इजी सी एक थ्योरम है वो अपन देखते हैं। तो देखो ये आपके पास थ्योरम है कि यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो आपको ये चार पॉइंट सिद्ध करने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ए अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड है ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो विषम सममित मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड है ए ए का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ए का ट्रांसपोज ए ये भी क्या होना चाहिए सममित मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इन पॉइंटों को आप कैसे सिद्ध करोगे वो चीज देखो। तो अपने पास प्रूफ में क्या आ जाएगा, सबसे पहला पॉइंट अपना क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपको दे रखे उसको अपन लेके चलेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स तो यही है आपकी, और सममित और विषम सममित की मैंने जो अभी आपको परिभाषा बताई थी उसके अंदर क्या था अपने पास कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स है उसको आप ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने पे अगर वापस वो ही मैट्रिक्स आती है तब तो सममित है,
वरना नहीं है तो अपने पास मैट्रिक्स क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, क्यों, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है, इसको अपने को चेक करना है, तो इसका अपन ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो अब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब एक चीज आप ये भी ध्यान रखना कि किसी भी मैट्रिक्स में आपके पास अगर कहीं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाए तो वो ए के इक्वल होता है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आ जाए तो वो भी ए के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही आगे स्टार का स्टार आ जाए तो वो भी आपके क्या होता है, ए के इक्वल होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान भी रखनी है। तो अभी देखो आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, ए बन गया, ये तो ए का ट्रांसपोज है, ये ए है। अब प्लस में है तो आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो देखो आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चले थे, वापस मैट्रिक्स आ रही है, तो आप क्या कह सकते हो कि अतः ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका ए नंबर पॉइंट हो गया। इसके बाद में देखो बी नंबर पॉइंट। अब बी नंबर पॉइंट में आपको क्या कह रहा है कि आपको यही चीज माइनस में लेके चलनी है, तो चूंकि ए माइनस ए का ट्रांसपोज और पूरे का अपन लेके चलते हैं ट्रांसपोज, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास, तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, ये तो ए का ट्रांसपोज है ही, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब इसको अगर वापस मैट्रिक्स बनाएं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखो आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेने पे वापस मैट्रिक्स बन रही है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, मैट्रिक्स तो बन रही है लेकिन कब बन रही है, जब आप माइनस कॉमन ले रहे हो, तो इसे क्या कह सकते हो फिर, अतः ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स वापस कब बन रही है, जब आप माइनस को कॉमन ले रहे हो। इसके बाद में आपका सी नंबर पॉइंट है, उसके अंदर आपके पास क्या है, आपको कह रहा है ए ए का ट्रांसपोज, ये भी क्या होनी चाहिए, सममित मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो पूरे का ट्रांसपोज लेके चलते हैं। अब आपके प्लस में या माइनस में है तब तो ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जैसे है वैसे के वैसे ट्रांसपोज होते जाते हैं, लेकिन अगर इनटू में है तो आपके ट्रांसपोज उल्टा चलता है, चाहे ट्रांसपोज हो चाहे स्टार हो, ये आपके क्या चलेंगे, उल्टे चलेंगे। तो क्या आएगा, पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसके बाद में ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, तो ये ए हो गया, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। तो आप देखो अंदर वाली जो मैट्रिक्स है वापस आ रही है, क्या आ रही है, तो क्या कह सकते हो, अतः कि ए ए का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स है। इसके बाद में आगे आपको एक पॉइंट और भी चेक करना है, ए का ट्रांसपोज ए, इसे भी चेक करना है कि ये सममित है या विषम सममित, तो इसका ट्रांसपोज लेके चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले ए का ट्रांसपोज उसके बाद में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज और ये क्या हो जाएगा, ए, वापस मैट्रिक्स आ रही है, तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं कि अतः ए का ट्रांसपोज ए भी सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये हो गई आपकी थ्योरम कंप्लीट। इसके आगे की जो थ्योरम है आपके, तो देखो अब आपके आगे की जो थ्योरम है वो क्या है कि यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो दो सममित या विषम सममित मैट्रिक्स का योग भी सममित और विषम सममित होता है। आपको क्या कह रहा है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है, तो अपन कि आपको कह रहा है दो सममित या विषम सममित मैट्रिक्स, तो अपन क्या करेंगे कि दो सममित मैट्रिक्स मान लेंगे ए और बी, और दो विषम सममित कहेगा तो भी आपके ए और बी हो जाएगी। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आपके पास अगर इस टाइप में क्वेश्चन दे दे कि सममित भी है और विषम सममित भी है, तो एक केस तो बनाओगे सममित के लिए और सेकंड केस बन जाएगा विषम सममित के लिए। तो अपन इसके लिए अपन क्या करेंगे कि दो मैट्रिक्स मानेंगे, एक बार तो उनको ले लेंगे सममित और एक बार ले लेंगे विषम सममित। तो देखो प्रूफ में आपके पास क्या आ जाएगा कि
केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, माना ए तथा बी दो सममित मैट्रिक्स है, ए और बी दो क्या है, सममित मैट्रिक्स है। तो सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल ए है और बी का ट्रांसपोज इक्वल बी बी आएगा, ये आपके सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। इसके आगे क्या कह रहा है अपने को कि दो सममित मैट्रिक्स का योग भी, आपने दो मैट्रिक्स ली है ए और बी, तो अगर वो सममित है तो उनका योग भी क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। तो चेक करते हैं ए और बी दोनों का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब इसको चेक करना है कि ये सममित है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आप ये देखो कि इन दोनों डेफिनेशन से आप क्या लिख सकते हो, ए के ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं और बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो तो वापस क्या आ रही है आपके पास, ये मैट्रिक्स ही आ रही है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो मैट्रिक्स है आपकी ए प्लस बी वो क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या है आपके पास, आपको क्या कह रहा है कि दो सममित तो ले ली, अब क्या लेनी है, दो विषम सममित लेनी है और उनका योग भी क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। तो देखो, तो आगे आपके पास क्या हो जाएगा, केस सेकंड। तो इसके लिए क्या मान लोगे आप, माना ए तथा बी दो विषम सममित मैट्रिक्स है। अब अगर ये आपकी विषम सममित मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए का ट्रांसपोज करोगे तो किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के, और बी का ट्रांसपोज है वो माइनस बी के। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके आगे आप ये देखो कि आपको चेक क्या करना था कि अगर आपके ए और बी को ऐड करें तब वो अगर सममित है तो सममित आना चाहिए, और अगर आपके विषम सममित लेके चल रहे हो तो उनका योग भी क्या आना चाहिए, विषम सममित आना चाहिए। तो देखो आप योग लेके चलते हैं, ए प्लस बी के योग को आपको क्या चेक करना है कि ये सममित या विषम सममित आपके पास क्या आता है। तो अगर आपने पहले क्या किया था कि सममित लेके चले थे तो क्या आया था, सममित आया था। अब अगर विषम सममित लेके चल रहे हैं तो विषम सममित आना चाहिए। तो इसको अलग अलग ट्रांसपोज दे देते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आप ये देखो कि इक्वेशन नंबर सेकंड से आप क्या लिख सकते हो, ए के ट्रांसपोज को माइनस ए और बी के ट्रांसपोज को माइनस बी, माइनस कॉमन लेने पे ए प्लस बी बन जाएगा। तो आप ये देखो कि वापस मैट्रिक्स कब बन रही है, जब माइनस का साइन कॉमन आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, अतः ए प्लस बी एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है। आप अगर मैट्रिक्स को सममित लेके चल रहे हो तब तो आपके पास सममित आ रही है, और विषम सममित लेके चल रहे हो तो विषम सममित आ रही है। अब इसके आगे के आपके क्वेश्चन है, तो देखो आपको क्या दे रखा है कि यदि ए सममित और ब्रैकेट में कह रहा है विषम सममित मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि अगर आप ए सममित है तब तो क्या आना चाहिए, तो आपके पास बी का ट्रांसपोज ए बी सममित होना चाहिए, और अगर आप ए को विषम सममित लेके चल रहे हो तो ये वैल्यू भी विषम सममित आनी चाहिए। तो मैंने अभी भी आपको कहा था कि अगर आपको सममित और विषम सममित साथ में दे दे तो उसके लिए एक बार तो केस फर्स्ट बनाएंगे और एक बार केस सेकंड बनाएंगे। तो देखो इसके आंसर में, केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, माना ए एक सममित मैट्रिक्स है, ए आपकी अगर एक सममित मैट्रिक्स है तो डेफिनेशन क्या होती है, ए का ट्रांसपोज इक्वल ए। तो इसको दे देते हैं आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में अब चेक किसको करना है आपको कि बी का ट्रांसपोज ए बी ये भी क्या होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए। तो इसको लेके चलते हैं अपन बी का ट्रांसपोज ए बी और पूरे का लेके चलेंगे ट्रांसपोज। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, उल्टा ट्रांसपोज चलता है, तो पहले बी का ट्रांसपोज उसके बाद में ए का ट्रांसपोज और उसके बाद में बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये वाली वैल्यू आ गई। अब बी का ट्रांसपोज तो अपने पास चेंज है नहीं, ए के ट्रांसपोज को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हैं, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हट जाता है।
तो आप ये देखो कि जो वैल्यू आपकी दी हुई थी वही वापस आ रही है, सेम आ रही है, तो आप क्या कह सकते हो, अतः बी का ट्रांसपोज ए बी सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड केस में क्या चेक करना है कि जब आप ए को कह रहे के चलो विषम सममित, तो क्या आ जाएगा, माना ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको चेक किसको करना है, बी का ट्रांसपोज ए बी को चेक करना है कि ये भी क्या आनी चाहिए, विषम सममित आनी चाहिए। तो इसका क्या लेके चलेंगे, अपन ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो अब इससे क्या आ जाएगा आपके पास, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज तो है जैसे ही रहेगा, ए के ट्रांसपोज को, ए के ट्रांसपोज को इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या लिखोगे, माइनस ए, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका बी हो जाएगा। इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, बी का ट्रांसपोज ए बी। तो आप ये देखो कि आपकी ये जो वैल्यू है सेम आ रही है, लेकिन कब आ रही है, माइनस कॉमन लेने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः बी का ट्रांसपोज ए बी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गई आपके थ्योरम कंप्लीट। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।